हाय दोस्तों, आज फिर हाजिर हम एक नए लंच टाइम गपशप में। और आज के लंच टाइम गपशप हम एक नई बालिका के साथ शुरू करते हैं और आप देखिए कि आज के लंच टाइम गपशप में हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं इनके परिचय से। जी, अपना परिचय आप खुद दीजिए। मेरा नाम है ब्यूटी कुमारी, कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय नूनिया पटिसा। मेरे गाँव का नाम है जमुनिया टोला। बहुत बढ़िया, आप कक्षा 4 में पढ़ती हैं ब्यूटी। यस सर जी। ये बताइए, आपको कितने तक पहाड़ा आता है? 20 तक। ब्यूटी हमें 18 का पहाड़ा सुना दीजिए। 18 के 18, 18 चौथे, 18 तेरह चौन, 18 चौक बहुत, 18 पचानबे, 18 छः 100, 18 सौ 126, 18 बटी 124, 18 900 बस, 18 के 180। बहुत बढ़िया ब्यूटी, हमें 17 का पहाड़ा सुनाइए। 17 के 70, 17 चौथी, 17 कहाँ, 17 चौकहाँ सौ, 17 50, 17 छः 102, 17 सौ 109, 17 बटी 136, 17 900, 17 दाम के 170। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, 19 का पहाड़ा सुनाइए हमको। 19 को नए दुनिया तीन संतान चौक छिया पंचानवे छः सौ चौदह सौ तैतीस उन्नीस सौ अठीस सुबह उन्नीस नौ सौ नब्बे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, 19 का 19 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 361। अरे वाह। 21 का 21 में? 441। अरे वाह। और 29 का 29 में गुणा कर देंगे तो? 961। अरे बहुत बढ़िया, 941। 961 तो 31 का स्क्वायर होता है ना? हाँ। 79 में कहते क्या कही? 7 दहाई 9 का 79। और 69 में कहते क्या कही? 6 दहाई 9 का 69। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा ये बताइए कि 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 और 13 सर 30। बहुत बढ़िया। 22 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 24। जी 30। 22 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 और 24 सर 46। बहुत बढ़िया, सब सही बताया। अच्छा बताइए, 5-5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अरे वाह। अच्छा ये बताइए, एक दर्जन केले का दाम यदि 60 रुपया हो यस तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा? 5। अरे वाह, क्या बात है, तो बड़ा तेज है आप। अच्छा हमें ये बताइए कि 9-9 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9-9 बार जी 81। बहुत बढ़िया। पौधे के प्रमुख भागों का नाम जानती हैं आप? यस सर। बता दीजिए। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ऐसे कुछ पौधों का नाम बताइए जिनकी जड़ें आप खाती हैं। सर गाजर, मूली, सर शकरकंद, शलजम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, ऐसे कुछ पौधों का नाम बताइए जिनका फूल खाते हैं। सर घेवरा का फूल। हाँ? लौकी का फूल। सर घेवरा का फूल। हाँ, लौकी का और कद्दू का फूल। कद्दू का फूल, वाह, पकौड़ी बनती है उसकी। हाँ? यस सर। आप लोगों के यहाँ बहुत जबरदस्त पकौड़ी। हाँ और बताइए सर। और और कुछ फूल याद आ रहा? अनार का फूल। अनार का फूल का क्या करते हैं आप लोग? सर खाते हैं। खाते हैं? यस सर। अच्छा वो पेट वेट गड़बड़ होता है तो लोग खाते हैं उसमें ना? सर। अच्छा अच्छा, केला का फूल। केला के फूल का, जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे ये बताइए कि ये पौधे किस जिस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उस क्रिया का क्या नाम है? हाँ बताइए, पौधे जिस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उस क्रिया का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, मतलब पौधे भोजन बनाते हैं, तो क्या क्या उनको चाहिए? सर पत्तियां हरी होना चाहिए। हाँ सर, उसके पास और पानी होना चाहिए। पानी, जी, पौधों की पत्तियां हो गई, पानी हो गया, भाई प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो प्रकाश भी तो चाहिए। यस। किसका प्रकाश? सर सूर्य का। हाँ सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए बताइए? अरे भाई हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए उनको। यस सर। तभी तो बनाएंगी भोजन। यस सर। अब वो भोजन बनाती है तो फिर हमको कौन सी गैस देती है? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसको हम ग्रहण करते हैं। यस सर। हाँ तभी तो कहा जाता है हमारे लंगोटिया यार हैं, जब से हम पैदा होते हैं तब से दोस्ती हो जाती है ना। यस। हमसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, भूल जा रहे हैं आप। अच्छा बताइए, पेड़ पौधे तो मान लीजिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना ही लेते हैं, हम लोग अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित हैं, कहाँ से मिलता है? सर
पेड़ पौधों से और सर जीव जंतु से। अच्छा बताइए जीव जंतुओं से कौन कौन भोजन हमको मिलता है? सर अंडा, सर मट, सर घी, दूध, दही। बहुत बढ़िया। मांस भी मिलता, मछली भी मिलता है कि नहीं? यस सर। ये सब भी तो पाते हैं हम। यस सर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। बहुत बढ़िया। और पौधों से कौन सा हमें भोजन मिलता है सर? भोजन जैसे पौधों से भी आप बताएंगे ना कि पौधों से भी भोजन मिलता है हमको, तो कौन भोजन पौधों से मिल जाता है? सर पपीता। हाँ मतलब फल हो गया ना। यस सर। और सर केला। अरे फल ही हो गया, सारे फल मान लीजिए। सर कच्चा केला का सब। अरे नहीं सभी फल हो लिए ना, फल तो मिलता है, और क्या मिलता है सर? और अरे जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं वो कहाँ से मिलता है? पौधों से ही मिलता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो गेहूं से मिलता है, है कि नहीं सर? धान। हाँ धान, चावल निकलता है उससे, सरसों का तेल, है कि नहीं? ये सब तो कहाँ होता है? पौधों से तो मिलता है। हाँ तो यही यही तो पूछा जा रहा है आपसे। चलिए और हमें बताइए कि सजीव किसे कहते हैं? सर सजीव सर जो सांस लेता हो, जो बढ़ता हो, उसे कहते हैं सजीव। अच्छा अच्छा, सजीव के लक्षण और कौन कौन है? सजीव का लक्षण, ऐसा कौन कौन सा गुण या लक्षण देखेंगे तो कहेंगे कि ये सजीव है? सर दूब। हाँ दूब। दूब यानी सजीव के लक्षण बताइए। गति। हाँ गति करता है। वृद्धि। वृद्धि करता है। श्वसन। श्वसन, वेरी गुड। प्रजनन। प्रजनन। उत्सर्जन। उत्सर्जन, चलिए। और भोजन भी करता है। यस सर। है कि नहीं? संवेदनशीलता भी होती है। संवेदनशीलता जैसे छुई मुई का पौधा को छूते हैं, जैसे आपको किसी ने स्पर्श किया तो आप जान जाती हैं कि हमको किसी ने छुआ, उसी तरह पेड़ पौधे भी जान जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसमें संवेदनशीलता पाई जाती है, मछली पे थोड़ा सा देखेंगे तो मछली भी तुरंत भाग जाती है, ये सब सजीव होते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं। और हमको ये बताइए कि 28 राज्यों के नाम आप जानती हैं? यस सर। भारत में 28 राज्य हैं? यस सर। 28 राज्यों के नाम आपको पता है? यस। बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम। वेरी गुड। छह बताइए हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं? 22। 22 का नाम बता दीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए हमारे जो विश्व में है कुल कितने महाद्वीप है? सातों का नाम याद है? यस सर। बता दीजिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया, ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया का असली नाम क्या है? ओशिनिया, है ना? ऑस्ट्रेलिया भी लोग कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए पूरा जो जमीन वाला भाग हो गया उसको तो महाद्वीप कहते हैं, सात बता दिया। जो पानी वाला भाग होता है उसको महासागर कहते हैं, तो महासागर कितने हमारे यहाँ? पांच है। बता दीजिए पांचों का नाम। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और सर एक अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक। हाँ ठीक। हिंद महासागर। बहुत बढ़िया आपने बताया, ये भी बहुत अच्छा आपने बताया कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागरों का नाम बता दिया आपने। अच्छा ये बताइए कि जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें एक मलयालम भाषा बोली जाती है, किस राज्य में? सर मलयालम याद किया होगा भाषा? सर 22 भाषाएं आपको पता है ना? मेरा 22 भाषाओं का नाम बताइए हमें। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हाँ तो इसमें आपने एक जगह मलयालम बोला, ये मलयालम किस राज्य में बोला जाता है? सर बताया गया है ना आपको? यस सर। वो राज्य का नाम बताइए, बिल्कुल दक्षिण में है नीचे। यस। जब आप पश्चिम तटीय राज्यों का नाम याद करती है तो उसमें लास्ट में वो आता है, बताइए क्या नाम है? हमने हेल्प किया आपकी। त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ पश्चिम में है? सर पश्चिम में, पश्चिम तटीय राज्य में सबसे नीचे वही है। पश्चिम तटीय राज्यों के नाम बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो सबसे लास्ट में कौन आ गया? गुजरात नहीं सर, केरल। केरल, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। यस सर। अच्छा पूर्वी तटीय राज्यों के नाम बताइए।
पूर्वी तटीय राज्यों का नाम, जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम। हाँ, और उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों के नाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बहुत बढ़िया। सेवन सिस्टर राज्यों के नाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, रणछपन, नागालैंड, त्रिपुरा। बहुत बढ़िया। ये हमारी है ब्यूटी, जो कक्षा चार में पढ़ती हैं, और जैसा इनका नाम है उसी के अनुसार इनका काम भी है। बड़ा ही सुंदर तरीके से आपको समझा समझा के इन्होंने सारी चीज़ें बताई एक एक करके, कि कौन सा राज्य कहाँ किससे सटा है, और साथ में ही इन्होंने पहाड़े भी सुनाए हमको, जोड़ घाटा ने गुड़े भाग भी बताए, कई चीज़ों ने इन्होंने विस्तार तरीके से बातें की। आपको इनकी वीडियो कैसी लग रही है और इनका बताना आपको कितना अच्छा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लंच टाइम गपशप में मिलेंगे। जय हिंद।